नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जेट स्ट्राइक अ स्टेशनरी कर्व प्लेट। जेट जो कि एक स्टेशनरी कर्व प्लेट को नॉर्मली स्ट्राइक करता है, तो इस केसेस में हम फोर्स को फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में वर्टिकल प्लेट के बारे में पढ़ा था, जब प्लेट वर्टिकली फिक्स था और जब इंक्लाइन इंक्लाइन था और वो फिक्स था। तो आज हम पढ़ेंगे कर्व प्लेट के बारे में, और यह कर्व प्लेट स्थिर है, फिक्स है मीन्स। तो अब इसमें देखिए, ये हमारा एक पाइप है, जिससे कि पाइप में ये नोज़ल लगा हुआ है, और इस नोज़ल से जेट वी वेलोसिटी से इस कर्व प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है। तो जब यह लिक्विड जेट इस कर्व प्लेट को स्ट्राइक करता है, तब यह टेंजेंशियली इन दोनों डायरेक्शन से बाहर की ओर निकल जाता है। अब यह चूंकि प्लेट कर्व है, तो यह निश्चित रूप से कुछ एंगल से बाहर निकलेगा, और यह किस एंगल से बाहर निकलता है, उस एंगल को हम पहले फाइंड करते हैं। तो इस एंगल को पहले फाइंड करने के लिए जो यूजली क्वेश्चंस में दिया होता है, वह एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया होता है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है, हम इस जो कर्व जो स्टेशनरी कर्व है, इसको हम इसके जो टेंजेंट है, इसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं इन दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो जेट का एक्सेस है, इसको आगे एक्सटेंड करूँगा, तो ये जो एंगल है, ये हमारा एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो जब ये एंगल हमें फाइंड हो जाएगा, तो हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा देखा जाए, ये एंगल हमको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमें पता है, तो हम इस एंगल को आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है, और इस पूरा एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम इस एंगल को निकालेंगे, इस एंगल को निकाल सकते हैं। इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे, यदि हम ये एंगल पता है, ये एंगल यदि सपोज फाई है, तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल, ये होगा थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाई, ठीक है। तो इस एंगल का उपयोग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल यदि थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। ये किस थ्योरम से होगा, ये होता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक तीर्यक रेखा काटती है, तो जो संगत कोण है, ये एंगल और ये एंगल समान होता है। तो ये इस केस में हमारा जो दिख रहा है, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल अभी हमारा थीटा होगा। इस प्रिंसिपल से हम इस एंगल को हम थीटा मानते हैं। तो जब ये फाइंड हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है, जो वी वेलोसिटी ये है, इसको हम दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट हमारा होगा v1 sin थीटा, और एक कंपोनेंट होगा हमारा v cos थीटा। तो जो v sin थीटा होता है, ये होता है हमारा v2y, मतलब y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी। v cos थीटा हमारा होता है v cos थीटा हमारा होता है v2x, x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी। और जो हमारा जेट का वेलोसिटी होता है, वो होता है v1x होता है इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। इसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे पूरा ये पूरा एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक v1x हमारा v है, v2y हमारा v साइन थीटा है, और जो वी वन वाई है, याद रखिए इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हमारा जीरो है, क्योंकि एक्स वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कोई नहीं है, तो हम इसे जीरो लेंगे। v2x क्या है हमारा, जो मैंने बताया, ये हमारा वी कॉस थीटा है। अब हम जैसे कि पिछले प्रिंसिपल में हमने सॉल्व किया है, हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए हमें f(x) निकालना है। तो f(x) निकालने का क्या फॉर्मूला है, इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैंने इसको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया है कि f(x) इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
मास पर सेकेंड इंटू वी वन एक्स माइनस वी टू एक्स। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब वी वन एक्स मैंने क्या है, ये वी रखा हुआ है, वी वन एक्स मैंने ये रखा हुआ है, वी रखा हुआ है। अब वी टू एक्स, वी टू एक्स को हम क्या रखेंगे, वी टू एक्स को हम, वी टू एक्स को हम रखेंगे माइनस वी कॉस थीटा, माइनस वी कॉस थीटा। हम इसे माइनस क्यों ले रहे हैं, इसे हम माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यदि जब हम कोऑर्डिनेट को देखें, जब इसको मैं इस डायग्राम को बनाऊंगा, कोऑर्डिनेट को दूंगा, तो जो वी कॉस थीटा का डायरेक्शन है वो ऐसा है, वी कॉस थीटा का डायरेक्शन कोऑर्डिनेट के एक्स डायरेक्शन के नेगेटिव साइड है, तो ये एक्स डायरेक्शन के नेगेटिव साइड है, तो हम इसे क्या लेंगे, हम इसे निगेटिव लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे निगेटिव यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और जो वी है ये हमारे कोऑर्डिनेट के अनुसार कैसा है, ये हमारे कोऑर्डिनेट के अनुसार पॉजिटिव साइड है, तो इसे हम क्या लेंगे, इसे हम धन लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में बताया था अपने कि जो मास पर सेकेंड है उसको मैंने क्या किया हुआ है, मास पर सेकेंड को, मास पर सेकेंड को मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाई टाइम, चूंकि मास हमें पता होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाई टाइम। ठीक है, तो वॉल्यूम बाई टाइम हमें पता होता है, वॉल्यूम पर सेकेंड ये इक्वल होता है फ्लो रेट के। ठीक है, क्योंकि क्यू का हमें यूनिट पता होता है, क्यू का यूनिट क्या होता है, क्यू का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसलिए मैंने जो वॉल्यूम बाई टाइम है उसे क्यू से रिप्लेस कर दिया। और हमें क्यू इज इक्वल टू पता होता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी, इसलिए मैंने ये जो क्यू है उसको एरिया इंटू वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया है। अब हम इस क्यू की जो ये जो पूरा मास बाई टाइम जो पूरा जो जो मिला हमें, हम इसे क्या करेंगे, हमें इसे इक्वेशन वन में रखेंगे, तो एम बाई टी की जगह मैं क्या कर दूंगा, रो ए इंटू वी को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया है, ये जो एम बाई टी है इसकी जगह रो इंटू वी रखा। ठीक है, और हमें हमें ये जो वी है ये ऑलरेडी इक्वेशन में है, तो रो ए वी इंटू वी इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ये वन प्लस कॉस थीटा है, तो इसको फाइनली जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रो ए वी स्क्वेयर इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह में हम क्या करेंगे, हम ए वाई डायरेक्शन के भी फोर्सेस को निकालेंगे, क्योंकि कर्व्ड प्लेट है तो हमें दो फोर्सेस निकालने पड़ेंगे, एक एक्स डायरेक्शन का फोर्स और एक वाई डायरेक्शन का फोर्स। तो मैं क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे फिर से एफ ऑफ वाई निकाला हूँ, तो एफ वाई वाई क्या होगा, एम बाई टी वी वन वाई माइनस वी टू वाई। ठीक है, तो एम बाई टी को मैं डायरेक्टली रो ए इंटू वी से रिप्लेस कर दिया, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब वी वन वाई, वी वन वाई, वी वन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो वी वन वाई हमारा जीरो है क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है वाई डायरेक्शन में इनिशियली। अब वी टू वाई क्या है, वी टू वाई है हमारा वी साइन थीटा। ठीक है, वी साइन थीटा क्यों है, कि जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि वाई डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी साइन थीटा है, और वी साइन थीटा को मैं पॉजिटिव लूँगा, क्यों पॉजिटिव लूँगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट हम देखें ऐसे करके, अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊंगा तो ये हमारा वी साइन थीटा का एक्सेस है। ठीक है, ये हमारा वी साइन थीटा है, तो वी साइन थीटा किधर है, ये हमारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है, इसलिए मैं इसे धन लूँगा। ठीक है, इसे मैं धन लूँगा। अब हमें इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारा यहाँ पे तो ऋण है, ठीक है, और ये धन है, तो धन जो ये घट जाएगा, मतलब ये निगेटिव आएगा, गुणा करेंगे तो, हम इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस रो ए इंटू वी स्क्वेयर साइन थीटा। ठीक है, ये जो एरिया है, एरिया मैंने बताया था, एरिया कैसे निकालते हैं, ये जो जेट का डायमीटर है, ये डायमीटर हमारा डी है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, ए इज इक्वल टू होता है पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वेयर। ठीक है, रो हमारा क्या है, रो है डेंसिटी, ठीक है, वी इज जेट का वेलोसिटी, तो आर के बंसल के एक न्यूमेरिकल है, इसको मैंने किया है, तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व किए हैं, ये हमारा एक न्यूमेरिकल है आर के बंसल का। ठीक है, इसमें क्या है, अ जेट ऑफ वाटर डायमीटर 50 mm मूविंग विथ वेलोसिटी 40 mm स्ट्राइक्स अ कर्व्ड फिक्स सिमेट्रिकली प्लेट एट द सेंटर। ये क्या कह रहा है कि एक जेट ऑफ वाटर है, ठीक है, इस जेट का डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 50 mm, ये क्या कह रहा है, यहाँ से जेट निकल रहा है किस वेलोसिटी से, 40 मीटर सेकेंड से, और ये इस कर्व प्लेट को नॉर्मली
सेंटर पे ही स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, सेंटर पे ही स्ट्राइक कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है इस जेट के द्वारा जो इस सिमेट्रिकल प्लेट को हिट करेगा, जिस फोर्स से ये एग्जर्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, और इट, ठीक है, इफ जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द आउटलेट ऑफ कर्व प्लेट। अब ये एंगल ऑफ 120 डिग्री क्या दिया है, ये एंगल ऑफ 120 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इस एंगल को ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये एंगल दिया है तो हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, मैंने बताया कैसे निकलेगा, इस एंगल को निकालने के करेंगे 180 माइनस 120, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 60 डिग्री मिल जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो फॉर्मूला है हम क्या लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रो ए इंटू वी स्क्वेयर हो जाएगा। तो रो ए वी स्क्वेयर 1 प्लस cos थीटा, रो की वैल्यू 1000, एरिया मैंने फाइंड किया पाई बाई फोर डी स्क्वेयर से, डायमीटर है 50 mm, तो 50 mm को मैं क्या कन्वर्ट करूँगा, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, हमेशा ऐसा यूनिट में ही सॉल्व करना चाहिए न्यूमेरिकल को। तो मैंने एरिया निकाल दिया, अब यहाँ से मैं वेलोसिटी निकालूंगा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ निकल गया, फिर 1 प्लस cos 60 डिग्री, 60 डिग्री मुझे ये थीटा मिला। अब इस वैल्यू को जब मैं इसे पूरे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे 4711.5 न्यूटन मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह यदि इस क्वेश्चन में बोलता होता कि हमें जो वाई डायरेक्शन का फोर्स है उसे निकाले, तो हम भी इसे भी हम एफ ऑफ वाई से निकाल सकते। तो एफ ऑफ वाई जो हमने पिछले जो फॉर्मूला निकाला है, रो ए इंटू वी स्क्वेयर साइन थीटा, इस फॉर्मूले से हमको एफ एफ वाई की वैल्यू मिल जाती है। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।